हाउ मेनी केव्स आर देयर इन एलिफेंटा? एलिफेंटा में कितने केव्स हैं? 7. विच डीटी आर द एलिफेंटा केव्स प्राइमरली डेडिकेटेड टू? लॉर्ड शिवा. वेयर आर बाघ केव्स लोकेटेड? बाघ केव्स कहाँ पे है? बाघ केव्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ बघानी रिवर इन द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. सो बाघ केव कहाँ पे है? ये धार डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है. और कौन से रिवर के पास है? बघानी रिवर. बघानी रिवर बाघ है ना, तो बाघ केव से बघानी रिवर. हु इज़ बिलीव टू हैव डेवलप्ड द बाघ केव्स? बाघ केव्स किसने डेवलप किया था? ये बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसका नाम था दत्तका. दत्तका, DATAKA, दत्तका. द बाघ केव्स आर बिलीव टू हैव बीन डेवलप्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क नेम्ड दत्तका. वाट आर द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर? द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इंक्लूड नागर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल और वेसारा स्टाइल. जो टेम्पल का आर्किटेक्चर है वो तीन है, एक है नागरा स्टाइल, एक है द्रविडियन स्टाइल और एक है वेसारा स्टाइल. नागर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल और वेसारा स्टाइल. वॉट इज़ द मेन इन्फ्लुएंस सीन इन द बाघ केव्स? जो बाघ केव्स बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस में बनाया गया है. बाघ केव्स जो है वो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस के साथ हैं. Which dynasty contributed to the construction and repair of stupas? कौन सा डायनेस्टी ने स्तूपा के रिपेयर और कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट किया है? सुंगा डायनेस्टी. Which dynasty contributed to the construction and repair of the stupas? सुंगा डायनेस्टी. What is गर्भागृह इन हिंदू टेम्पल? गर्भागृह किसको बोलते हैं? गर्भागृह. द गर्भागृह is the main part of a Hindu temple where the chief deity resides. It is often referred to as womb chamber. Garbhagri. What is Pradakshina path? Pradakshina path is a circumambulatory path around the Garbhagri of Hindu temple. It is used for performing circumambulation or the act of walking in a clockwise direction. So clockwise direction mein gul gul ghumte hain uske aaju baaju. What are some distinct features of the stupas built during the Shunga dynasty? जो शुंगा डायनेस्टी में जो स्तूपास बने थे उसका क्या फीचर्स है? द स्तूपास बिल्ट ड्यूरिंग शुंगा डायनेस्टी फीचर्ड नेटिव स्टाइल्स, सिंप्लिसिटी एंड फोक इन्फ्लुएंसेस. द इंट्रोडक्शन ऑफ टोरानास डिपिक्टिंग द जातका स्टोरीज वाज अ नोटेबल फीचर. स्टोन वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ शुंगा स्तूपास इंक्लूड बरहुत एंड सांची स्तूपा. तो जो बरहुत और सांची स्तूपा है ये शुंगा का स्तूपा है. तो उस समय क्या था ना, बुद्धा का इन्फ्लुएंस ही था. तो जैसे मौर्य में बुद्ध का टाइम था ना, तो उसको शुंगा जो था, शुंगा ने मार दिया था बृहद्रथ को, तो फिर शुंगा डायनेस्टी आया था. तो ऑब्वियसली वो जो कल्चर चली आ रही थी वही कल्चर रहेगी. जातक स्टोरीज किसका है? बुद्धिस्ट का है. तो वो सब सारी चीज़ें होंगी. तो स्तूपास बिल्ट ड्यूरिंग द शुंगा डायनेस्टी फीचर्ड द नेटिव स्टाइल्स, सिंप्लिसिटी, फोक इन्फ्लुएंसेस एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द तोरानास डिपिक्टिंग द जातका स्टोरीज वॉज अ नोटेबल फीचर. स्टोन वॉज एक्सटेंसिवली यूज इन देयर कंस्ट्रक्शन. एग्जाम्पल्स ऑफ शुंगा स्तूपास इंक्लूड बरहुत एंड सांची स्तूपास. बरहुत और सांची स्तूपा. वॉट इज शिकारा और विमाना ऑफ अ टेम्पल, ऑफ अ हिंदू टेम्पल? शिकारा किसको बोलते हैं? शिकारा इन द नॉर्थ इंडिया एंड विमाना इन साउथ इंडिया इज द स्पायर और टावर लाइक स्ट्रक्चर दैट स्टैंड्स अबव द गर्भागृह ऑफ अ हिंदू टेम्पल. जो हिंदू टेम्पल होता है ना, हिंदूज लोग का जो टेम्पल होता है उसका जो गर्भागृह होता है ना, उसके ऊपर में टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो नॉर्थ इंडिया में उसको बोलते हैं शिकारा और साउथ इंडिया में उसको बोलते हैं विमाना. ठीक है. सो द विमाना इज पिरामिडल इन शेप वाइल द शिकारा इज अ कर्व्ड स्ट्रक्चर. जो शिकारा होता है वो कर्व्ड स्ट्रक्चर का होता है और जो विमाना होता है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर का होता है. ठीक है. वॉट इज एन अमलका इन अ हिंदू टेम्पल? अमलका क्या है? अमलका इज अ डिस्क मेड ऑफ स्टोन दैट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द शिकारा और विमाना ऑफ अ हिंदू टेम्पल. इट सर्व्स एज अ बेस फॉर द कलश, ए पॉट लाइक स्ट्रक्चर ऑफन सीन ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल स्पायर. तो अमलका क्या होता है? अमलका जो एक डिस्क टाइप का स्टोन, मतलब पत्थर का एक डिस्क टाइप का एक बेस बनाते हैं जो कि शिकारा या विमाना के ऊपर रहता है. वहाँ पे कलश, उसके ऊपर किसके रखते हैं? कलश रखते हैं. तो वो पॉट लाइक स्ट्रक्चर, कलश क्या है? एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर ऑफन सीन ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल स्पायर. ठीक है, अमलका समझ में आ गया क्या है. फिर वॉट आर सम डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द स्तूपास इन द डेक्कन एरिया? डेक्कन एरिया में जो स्तूपास हैं उसके क्या फीचर्स हैं? स्तूपास इन द डेक्कन एरिया पर्टिकुलरली एट अमरावती नगर जुना कोंडा हैज़ डिस्टिंक्ट फीचर्स. दे वेयर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग बर्नड ब्रिक्स एंड स्टोन. द ग्राउंड प्लान ऑफन हैड अ स्पोक व्हील्ड डिजाइन विथ वेरिंग नंबर ऑफ स्पोक्स. सम स्तूपास इन द नगर जुना कोंडा फीचर्ड
अयाका पिलर्स रिप्रेजेंटिंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ बुद्धा. द यूज ऑफ स्वस्तिक सिम्बल्स वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन सम स्तूपाज. तो जो स्तूपाज है डेक्कन एरिया का, वहाँ पे पर्टिकुलरली डेक्कन एरिया मतलब अमरावती, नागार्जुना कोंडा, ये सब में डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं. क्या फीचर्स हैं कि वो बर्न्ट ब्रिक्स और पत्थर से बनाया गया है. उसका जो ग्राउंड प्लान है वहाँ पे स्पोक वाला व्हील डिज़ाइन है जिसमें बहुत तरह के स्पोक्स हैं, बहुत नंबर ऑफ स्पोक्स हैं. सम स्तूपाज इन नागार्जुना कोंडा फीचर्ड अयाका पिलर्स. जो नागार्जुना कोंडा का स्तूपा जो है वहाँ पे अयाका पिलर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा को, और स्वस्तिक सिंबल भी वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है. व्हाट इज़ कलश और इन टेंपल आर्किटेक्चर. अ कलश इज़ अ पॉट शेप्ड फॉर्मेशन दैट इज़ प्लेस्ड अबव द अमलका एट द एपेक्स ऑफ अ टेंपल. इट इज़ सिग्निफिकेंट सिंबल इन टेंपल आर्किटेक्चर. रिकैप करते हैं. हाउ मेनी केव्स आर देयर इन एलिफेंटा. देयर आर 7 केव्स इन एलिफेंटा. हाउ विच डेटी वॉज द आर द एलिफेंटा केव्स प्राइमरली डेडिकेटेड टू. शिवा. वेयर आर बाघ केव्स लोकेटेड. बघानी रिवर पे है, धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में. हु इज़ बिलीव टू हैव डेवलप्ड द बाघ केव्स. बुद्धिस्ट मॉन्क दत्तका. वॉट आर द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर. नागरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, वेसारा स्टाइल. मेन कॉन्फ्लुएंस सीन इन द बाघ केव्स इज बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस. मेन इन्फ्लुएंस किसका देखा जाता है बाघ केव्स में, बुद्धिस्ट का. विच डायनेस्टी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ स्तूपाज. शुंगा डायनेस्टी. वॉट इज गर्भागृह इन हिंदू टेम्पल. अ वूम्ब चैम्बर. वॉट इज प्रदक्षिणा पाथ इन हिंदू टेम्पल. जहाँ पे एरिया जहाँ गोल गोल घूमते हैं क्लॉक वाइज में. फीचर्स स्तूपाज जो बनाया गया था शुंगा डायनेस्टी का, उसका फीचर्स क्या है. उसमें नेटिव स्टाइल्स में होता है, सिंप्लिसिटी, फोक इन्फ्लुएंसेस है, जातका स्टोरीज है, तोरानाज है, और नोटेबल फीचर है ये सारे. और फिर आपका एग्जांपल है शुंगा स्तूपाज का बरहुत और सांची स्तूपा. बरहुत और सांची स्तूपा शुंगा स्तूपाज है. वॉट इज शिकारा और विमाना इन हिंदू टेम्पल. शिकारा नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, विमाना साउथ इंडिया में बोलते हैं. वो एक स्पायर या टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि गर्भागृह के ऊपर होता है. जो विमाना होता है उसका पिरामिडल शेप होता है, जो शिकारा होता है वो कर्व्ड स्ट्रक्चर का होता है. अमलका एक डिस्क शेप होता है जो कि स्टोन का बना हुआ होता है, जिसके जो टॉप ऑफ शिकारा और विमाना के ऊपर लगाते हैं, और उसके ऊपर एक बेस तरह फॉर्म करता है वो कलश बैठाने के लिए. सम डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ स्तूपाज इन द डेक्कन एरिया. डेक्कन एरिया मतलब अमरावती और नागार्जुना कोंडा का जो स्तूपा है वहाँ का फीचर ये है कि वो बर्न्ट ब्रिक्स और स्टोन का बना हुआ है, और जो ग्राउंड प्लान है वहाँ पे व्हील डिज़ाइन है जिसमें नंबर ऑफ स्पोक्स हैं. और जो कुछ स्तूपाज हैं नागार्जुना कोंडा का, वहाँ पे अयाका पिलर्स है जो कि रिप्रेजेंट करता है लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा. स्वस्तिक का सिंबल भी देखा गया है. कलश क्या होता है. ए कलश इज़ अ पॉट शेप्ड फॉर्मेशन दैट इज़ प्लेस्ड अबव द अमलका एट द एपेक्स ऑफ द टेम्पल. इट इज सिग्निफिकेंट सिंबल इन द टेम्पल आर्किटेक्चर. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.